हेलो व्यूअर्स, आज मैं अलसी के पराठे बनाने की तरकीब लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे अलसी को, या जिसे तीसी कहते हैं, उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना होगा। और आज मैं इसके दो तरह के पराठे बनाऊंगी, एक तो मीठे और दूसरे नमक वाले। यानी अलसी का फ़ायदा देखते हुए नमक वाला पराठा मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इसके फ़ायदे ले सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अलसी को रोस्ट कर लेना होगा। ये रोस्ट हो चुका है, अब इसे आप किसी बर्तन में रख लें। अलसी के साथ ही एक टेबल स्पून भुना हुआ तिल भी मिला लें और दोनों चीज को इकट्ठे पाउडर बना लें। बहुत आसानी से ये पाउडर तैयार हो जाता है। बस इतनी सावधानी रखें कि मिक्सी को रुक रुक कर चलाएं, लगातार ना चलाएं। अब नमक डालकर सॉफ्ट आटा बना लें, जैसा कि पराठे का आटा बनाते हैं। एक बर्तन में कटी हुई प्याज, धनिया की पत्ती, हरी और लाल मिर्चें डालें और साथ में थोड़ा नमक डालें। अब इसमें अपना पिसा हुआ फ्लैक्स सीड या अलसी, या जिसे तीसी कहते हैं, डाल दें और अच्छी तरह से हाथों से मिला लें ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए और ये स्टफिंग के लिए तैयार हो जाए। अब इस तीसी के गोल गोल लड्डू बना लें और इसे एक जगह रख दें। गुड़ के एक ढेले को ग्रेट कर लें, उसमें एक चुटकी सौंफ डाल दें। ग्रेट करने से गुड़ का ढेला सॉफ्ट हो जाएगा। और अब इसमें तीसी या फ्लैक्स सीड की पिसी हुई पाउडर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसके भी छोटे छोटे लड्डू बना लें ताकि स्टफिंग के लिए ये तैयार हो जाए। गुड़ और अलसी के पाउडर की बनी हुई इन लड्डुओं को भी आप गोल गोल बनाकर इस तरह से रख दें। अब नमक वाला एक लड्डू उठाकर इसके अंदर डालें और इसका मुंह बंद कर दें और इसका पराठा बेल लें। ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है और इसका स्वाद नटी टेस्ट वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर अलसी और तिल भरा हुआ है। और इसे हम रोटी की तरह ही बनाएंगे और सर्व करते, गरम गरम पराठे को जब सर्व करेंगे तो इसमें हम घी लगाकर सर्व करेंगे। ये गुड़ वाला पराठा है। ये पराठा बहुत आसानी से फूल जाता है, बस सेकते समय इसे ध्यान रखें कि आंच धीमी रखें। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ये पराठा आप भी ट्राई करें। आपको दिखाने के लिए मैंने इसे खोला है, देखिए अंदर से प्याज और पत्तियां सब दिख रही हैं। तो इसे बनाएं और ये गुड़ वाला पराठा है, क्रिस्प और यमी। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे, आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये जब मीठा लगेगा तो बच्चे क्या, बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो आप बनाएं इसे, खाएं और खिलाएं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमें, हमारी किसी भी रेसिपी को आप मिस ना करें। आप अपने फीडबैक दें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही यमी रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।